और मेरे शंकर को पाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास है तो शिव तुम्हारे पास है, विश्वास है तो मेरा ओघड़ दानी तुम्हारे करीब में, विश्वास नहीं तो शिव रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है, शंकर विश्वास का प्रतिबिंब है, शंकर विश्वास का स्वरूप है। जिसने पाया ब्रह्मा जी का भगवान शंकर के प्रति विश्वास नहीं था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कह दिया आप कहते हो कि आपके पिता शिव हैं, मैं मान नहीं सकता। दोनों ने पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, अग्नि खंभ प्रकट हो गया, एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। उस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं, शिवलिंग का शीश कहाँ है, शिवलिंग के पांव कहाँ हैं, शिवलिंग का मुख कहाँ है, देखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों जा रहे हैं। नारायण को मालूम था, मेरे नारायण ये जानते हैं कि भगवान के चरण और शीश देखना कठिन है, अपने पिता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता का मर्म जानना बहुत कठिन है, अपनी माता की करुणा जानना बहुत कठिन है, अपने पिता की करुणा जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। क्या नहीं पूछते, जम जम के बोलो जरा। स्त्री से, किसी नारी से, किसी स्त्री से, किसी महिला से उसकी आयु नहीं पूछी जाती, तुम कितने साल की हो, कितने वर्ष की हो, कितने साल की हो, स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय, उसकी कमाई नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि एक नारी, एक स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती, अपने परिवार के लिए जीती है, इसलिए उसकी आयु नहीं पूछी जाती। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती क्योंकि वह परिवार के लिए जीती है, पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती क्योंकि वह अपने लिए नहीं कमाता, अपने परिवार के लिए कमाता है, इसलिए उससे आय नहीं पूछते हैं कि तूने कितना कमाया, कितना एकत्रित करा, कितना कमा कर रखा, कितनी एफडी बनाई, कितना धन एकत्रित करा। पुरुष से नहीं पूछा जाता कि तुम कितना कमा रहे हो, कितना एकत्रित कर रहे हो, कितना जोड़ रहे हो। एक नारी, एक स्त्री से क्या आयु पूछोगे, कितने साल की है? कितने वर्ष,